हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग आज हम वीड साइंस इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे ये टॉपिक यूपीपीएससी सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखे गए हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा तो शुरू करते हैं वीड साइंस वीड्स आर द अनवॉन्टेड एंड अनडिजायरेबल क्रॉप्स दैट इंटरफेयर विद यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड दस एडवर्सली अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड ह्यूमन वेलफेयर तो देखिए ये है डिफिनेशन ऑफ वीड वीड क्या होता है जो अनवॉन्टेड और अनडिजाइबल क्रॉप्स होते हैं जो अपने क्रॉप प्रोडक्शन के वक्त इंटरफर करते हैं अपने क्रॉप के साथ इनकी वहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं होती है तो भी ये आ जाते हैं इसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट होता है बाद में ह्यूमन वेलफेयर को भी अफेक्ट होता है बाद में बच्चे जनरली ये दो वीड में कंफ्यूज होते हैं देखिए ये दो फोटोज हैं एक है साइनोडॉन डेक्टिलॉन जिसे हम बरबुडा ग्रास और डूब ग्रास कहते हैं हिंदी में इसे हरियाली ग्रास कहते हैं ये इसे ये वाला जो है और सेकंड है साइप्रस रोटुंडस इसे नट ग्रास कहते हैं ये सेजेस में आता है आगे देखेंगे हम तो ये ध्यान में रखिएगा डिफरेंस बाद में कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ वीड वीड्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड हाईली एडेप्टेबल अंडर वेर एडवर्स कंडीशंस देखिए तूफान आए या ड्रॉट आए इसमें सर्वाइव कर सकते हैं वीड्स बाद में दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ़ सीड्स एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स अदर क्रॉप्स यानी अपने जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं उसके कंपैरिजन में उन उनकी जो सीड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है बाद में वीड्स सीड जर्मिनेट अर्लियर एंड देयर सीडलिंग ग्रोस फास्टर ये फास्ट ग्रो होते हैं अपने नॉर्मल क्रॉप से दे डोंट लूज वायबिलिटी फॉर ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन जो वाइबिलिटी होती है यानी उपजाऊ क्षमता वो खोते नहीं हैं बहुत से सालों तक यानी वो कुछ सालों बाद भी जर्मिनेट हो सकते हैं बाद में मोस्ट ऑफ़ देम पोजेस सी फोर टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ एन एडिटिव एडवांटेज ड्यूरिंग मॉइस्चर स्ट्रेस देखिए जो सी फोर टाइप का फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट्स होते हैं इनमें जो सी ओ टू होता है वो इफ़िशेंटली यूज़ करते हैं और जो मॉइस्चर स्ट्रेस रहता है ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं ये दो कारण से मॉइस्चर स्ट्रेस आराम से सह कर सह सकते हैं जैसे कि देखिए जे पोजिशन द एक्सटेंसिव रूट सिस्टम विच गो डीपर एज वेल एज क्रीपिंग टाइप देखिए रूट सिस्टम विच गो डीपर ये डीपर रूट सिस्टम होने के कारण नीचे का पानी भी वो खींच सकते हैं उसके कारण वो पानी अगर कम भी रहा तो वो सर्वाइव कर सकते हैं नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है वीट्स कॉम्पीट विथ क्रॉस फॉर स्पेस लाइट मॉइस्चर एंड सॉइल न्यूट्रिय दस कॉजिंग रिडक्शन इन यील्ड हार्मफुल इफेक्ट्स के कारण जो है वो अपना स्पेस लाइट मॉइस्चर जो अपने क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो वो खींच लेते हैं उसके कारण जो है, है अपना यील्ड में रिड्यूस होते हैं अपना मेन क्रॉप को जो है वो मिलता नहीं है वो न्यूट्रिएंट्स लाइट मॉइस्चर दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड स्किन जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि भैंस गाय इन्होंने अगर इसे कंजम कंज्यूम किया तो मिल्क और स्किन में उनके डिफरेंस आता है यानी मिल्क मिल्क अच्छा नहीं आता है बाद में स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या है एक्ट्स एज अल्टरनेट होस्ट फॉर मेनी इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेस जो डिस पेस्ट होते हैं क्रॉप पे आने वाले उसके लिए अल्टरनेट होस्ट करके ये यूज़ होते हैं यानी देखिए अगर क्रॉप नहीं रहा मेन फील्ड में और वीड रहा तो वो जो पेस्ट और डिशीज है वो वो वीड पे सरवाइव कर सकते हैं जब तक क्रॉप नहीं आता है क्रॉप आने के बाद वो क्रॉप पे जाते हैं ये ये एक प्रॉब्लम है इनका बाद में कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन बींग्स देखिए आपको पता ही होगा पार्थिनीम हिस्टोरीफोरस जिसे हम कांग्रेस ग्रास भी करते हैं उसके कारण देखिए खुजली होती है अपने ह्यूमंस में बाद में अस्थमा भी हो सकता है उसके कारण ये जो है ये ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम्स पहुँचाते हैं बाद में इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ड्यू टू वीडिंग ऑपरेशन देखिए जो वीडिंग ऑपरेशन होता है जैसे कि वीडिंग uh, होइंग ये जो अपने इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं अगर वीड्स ज़्यादा रहे तो इसको इसमें ज़्यादा खर्चा होता है अपना तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज करते हैं बाद में सम वीड्स आर पॉइजनस इन नेचर फॉर लाइफ स्टॉक पॉइजन भी होते हैं कुछ कुछ वीड्स में बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी देखिए मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से कैसा दिखता है देखिए मैंने सबसे पहले स्लाइड में आपको बताया था साइप्रस रोटोंडस और सैनोडोड डैक्टिलॉन का डिफरेंस तो वही यहाँ पे ग्रासेस देखिए ऑल वीड्स विथ लॉन्ग स्पाइन स्पाइनी नैरो एंड कम्स अंडर द फैमिली पोएसी आर कॉल्ड ग्रासेस देखिए इसके एग्जाम्पल है सैनोडन डैक्टिलॉन और इचिनोकोआ कोलेनम बाद में सेजेस वीड्स बिलोंगिंग टू साइपरेसी फैमिली ये यहाँ पे दो फैमिली ध्यान में रखिए पोएसी रहा तो ग्रास और साइपरेसी रहा तो सेजेस कम्स अंडर दिस ग्रुप साइपरस रोटोन्डस एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिएगा बाद में ब्रॉड वीड एक्सेप्ट पोएसी एंड साइपरेसी ये दो फैमिली छोड़ के बाकी सब फैमिली इस कैटेगरी में आती है ब्रॉड लिव वीड में ये मोस्टली डाइकोटानस dicotyl, रहते हैं इसका नाम इसके एग्जाम्पल है डाइजेरिया अरवेंसिस एब्यूटिलॉन इंडिकम ये ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन इसे हम ऑन्टोजेनी भी कहते हैं देखिए जो एग्जाम्पल है इसे निग्लेक्ट मत कीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें एनुअल विड्स एनुअल विड्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन जस्ट वन ईयर देखिए एक साल में जो कंप्लीट है, करते हैं उसे एनुअल कहते हैं बाद में उसका एग्जाम्पल है चेनोपोडियम एल्बम कॉमिलिया बिंगालंसिस ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा बाद में इफेमरल वीड्स द प्लांट दैट कम्प्लीट्स मीनी लाइफ साइकिल इन सेम ईयर देखिए ये पचास से साठ दिनों में पूरा लाइफ साइकिल कम्प्लीट करते हैं इसके कारण बहुत से लाइफ साइकिल एक ईयर में ही कम्प्लीट हो जाते हैं तो इसे इफेमरल्स कहते हैं दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड दिस साइकिल हैपन्स मेनी टाइम्स ओवर द ईयर जो साल में बहुत बार इनकी साइकिल लाइफ साइकिल चलती है इसके एग्जाम्पल है ग्राउंड सेल और चिकविड नेक्स्ट है बाइनियल वीड्स बाइनियल यानी बाय यानी दो दो एन नियल यानी एनुअल बाइनियल तो इसके जो है ना दो ईयरस में ये कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल फर्स्ट ईयर में जो जर्मिनेशन करते हैं वेजिटेट ग्रोथ कंप्लीट करते हैं सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग और फ्रूट सेट करते हैं इसका एग्जांपल है डेकस कैरो कैरोटा ये है वाइल्ड कैरट बाद में पेरिनियल वीड्स पेरिनियल वीड्स ल्यूज मोर देन टू ईयर्स एंड मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस मेनी टाइम्स ये बहुत साल रहते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं सीड और वेजिटेटिवली दोनों तरफ से बहुत से सालों तक तो ये रहते हैं देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए सॉर्गम हेल्पेंस सैनोडॉन डेक्टिलॉन साइपरस रोटुंडस ये इसके एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको बाद में पैरासिटिक वीड्स इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में पैरासिटिक वीड्स तो पैरासिटिक वीड्स आर आदर टोटल और पार्शियल विच मीन्स द वीट्स दैट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन होस्ट प्लांट आर टर्म डेज टोटल पैरसिट देखिए जो कम्प्लीटली डिपेंड होते होस्ट पे, जो खुद कुछ नहीं कर सकते पूरा न्यूट्रिशन पूरा फूड होस्ट से लेते हैं इसे टोटल पैरासिट कहते हैं वाइल द वीट्स दैट पार्शियली डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट फॉर मिनरल्स एंड कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स फूड फ्रॉम ग्रीन देखिए ये खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं तो इसे पार्शियल करते हैं वो उस पर भी फीड करते हैं और खुद से भी प्रिपेयर करते हैं इसलिए पार्शियल पैरासाइट कहा जाते हैं ये पैरासिटिक वीड होते हैं बाद में इसके जो एग्ज़ाम्पल है कस्कुटा चीनसिस डॉडर इसके होस्ट क्रॉप है लूसन और ऑनियन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और ये है बाद में लॉ लोरेंथस लौ, लॉन्जिफोरस इसका है प्लांटेशन क्रॉप में जैसे कि मैंगो में आता है लोरेंथस ये डिसीज़ पैरासिटिक वीड बाद में और ब्रूम ब्रूमरेप होस्ट प्लांट्स ये सोलानिसी फैमिली के एक्सेप्ट मस्टर्ड ये बाकी सब सोलानिसी फैमिली के हैं बाद में स्ट्रीगा और विचविड्स, इसके एग्जाम्पल है सॉर्गम शुगर केन सनफ्लावर और मेज देखिए मैं इसे ध्यान में रखने के लिए आपको ट्रिक बता दूँ यहाँ पे बता दूँ एक मिनट देखिए ये अपना अगर प्लांट है ये सॉइल है लैंड की है, बाद में नीचे रूट्स है ये जो है इसमें टोटल पैरासाइट पार्शियल पैरेसाइट बाद में टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट ऐसे रहते हैं स्टेम ऊपर अगर रहा तो टोटल स्टेम पैरासाइट नीचे अगर रहा तो टोटल रूट पैरासाइट पार्शियल स्टेम पैरासाइट ऊपर रहा तो बाद में नीचे रहा तो पार्शियल रूट पैरासाइट देखिए इसका जो है ट्रिक सी एल ओ एस देखिए टोटल स्टेम पैरेसिट अगर बोलेंगे तो कस्कुटा बाद में पार्शियल अगर बोलेंगे तो लॉरेंथस ये हो गया स्टेम के बारे में बाद में अब नीचे आते हैं रूट्स टोटल अगर रहा तो औरबेंचे और पार्शियल अगर रहा तो स्ट्रीगा ये ध्यान में रखिएगा ये रूट के बारे में टोटल रूट पैरेसिट ये ध्यान में रखिएगा ठीक है देखते हैं नेक्स्ट बाद में बेस्ड ऑन रिलेटिविटी एप्सोलोटविट्स प्लांट्स ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स देखिए एप्सुलूट यानी पूरी तरह पूरी तरह ये वीड है इसका कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता अपने अपने लिए इसका एग्जाम्पल है साइपेरस रोटुंडस बाद में है रिलेटिव वीड्स रिलेटिव यानी अनडिजायरेबल क्रॉप्स इन द मेन फील्ड देखिए बारले में व्हीट यानी व्हीट में बारले मेज में अगर अलग अलग क्रॉप अगर एक ही इसमें आ रहे हैं तो ये रिलेटिव वीड हो गए बाद में रोग वीड ये देखिए रोगिंग देखा था आ, हमने रोगिंग यानी रिमोल ऑफ ऑफ टाइप्स देखिए अगर अदर वेराइटीज़ के प्लांट्स आते हैं सेम क्रॉप में तो ये रॉग वीड्स कहते हैं इसे ये सीड सर्टिफिकेशन का में बहुत इंपॉर्टेंट होते ही इसे निकालना बाद में वॉलेंटर वीड्स सच वीड्स आर ग्रोन फॉर फॉलन सीड्स ऑफ प्रीवियस ऑफ प्रिस क्रॉप्स इन द फील्ड हार्वेस्टिंग के बाद जो सीड गिर जाते हैं पिछले क्रॉप के उससे नेक्स्ट क्रॉप में वो जो उगते हैं उसे वॉलेंटर विक्स वीड्स बोलते हैं बाद में क्लासिफिकेशन ऑन अदर बेसिस इसमें है मिमिक्री वीड मिमिक्री आपको बताऊंगा मिमिक्री यानी कॉपी करना देखिए वाइल्ड वाइल्ड राइस इन राइस फील्ड बाद में वाइल्ड ओट बाद में कैनरी ग्रास इन विट ये जो है ये मिमिक्री वीड्स है बाद में नॉक्शियस वीट्स नॉक्शियस एने जो बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं ये ऐसे वीड्स होते हैं इनका एग्जाम्पल है साइप्रस रोटोंडस लेंटेना कैमरा सैनोडन डेक्टिलोन पार्थीनियम हिस्टोरीपोज ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन करते हैं अपने क्रॉप के लिए जैसे कि इल्ड कम कर देंगे उसमें उसमें उगने नहीं देंगे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने देंगे क्रॉप्स को ये नॉक्शियस वीड्स होते हैं बाद में सैटेलाइट और ऑब्जेक्शनेबल वीड ये जो वीड्स होते हैं इनकी जो इनके जो ये होते हैं अपना सीड्स होते हैं इनके सेटेलाइट और ऑब्जेक्शनेबल वीड्स के तो ये सीड्स अपने क्रॉप के से सेम होते हैं यानी अगर ये जो मिक्स हो गए अगर तो इसे सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसे सेटेलाइट और ऑब्जेक्शनेबल वीड कहते हैं एवेना फोटोआ फेलरिस माइनर चिचोरी कसकुटा एवेना फोटोआ ये वीट में होता है अगर इसके सीट अगर मिल गए वीट के साथ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यानी वो सेपरेट ही नहीं कर सकते वो मिक्स हो जाते हैं सैटेलाइट वीड और ऑब्जेक्शनेबल वीड इसे कहते हैं बाद में नेक्स्ट है वीड कंट्रोल अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे वीड का देखिए पहले है मैकेनिकल कंट्रोल इट इंक्लूड्स डीप प्लोइंग हेरोइंग होइंग एक्सेट्रा पेरिनियल वीड्स लाइक सैनोडॉन डेक्टिलॉन साइप्रस स्पीसीज कॉन्वलवरन्स एंड अरवेंसीज आर कंट्रोल्ड बाय मैकेनिकल कंट्रोल ये मशीन के साहे से साहे से ये कंट्रोल किए जाते हैं जैसे कि डीप प्लोइंग हेरोइंग होइंग अपना बाद में वीडिंग ये जो है ये मैकेनिकल कंट्रोल में आता है बाद में कल्चरल मेथड्स देखिए इसमें स्टेल सीड बेड टेक्निक ये जो है ये इम्पोर्टेंट है ये ध्यान में रखिए मैं बताता हूँ ये स्टेल सीड बेड टेक्निक क्या होती है नर्सरी प्रिपेयर करते वक्त विदाउट सोइंग डायरेक्ट इरीगेशन देते हैं अगर कुछ वीट सीड सॉइल में प्रेजेंट होंगे तो वो जर्मिनेट होगे और फिर ऐसे दो तीन फ्लशेस लेते हैं उसके और सबको मार डालते हैं एक बार जर्मिनेट होने के बाद तो जो है आ, उसके कारण क्या होता है जो वीड्स अपने जो सीड है वीड सीड जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो पूरी तरह निकल जाते हैं फिर अभी सिर्फ क्रॉप को ग्रोथ ग्रोथ होंगी बाद में थोड़ा टाइम जाता है इसमें पर ये अच्छी टेक्निक है बाद में है ब्लाइंड टिलेज ब्लाइंड टीलेज क्या होता है आफ्टर सुइंग बिफोर जर्मिनेशन ऐसा किया जाता है यानी बुआई के बाद और जर्मिनेशन से पहले क्रॉप के जो किए जाते हैं वो ब्लाइंड टिलेज किया जाते हैं बाद में है बायोलॉजिकल मेथड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय इंसेक्ट इज नोन एज पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल ये ध्यान में रखिएगा ये टर्म बाद में इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये इसमें से जो वाटर है बाद में जो कांग्रेस ग्रास है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं पिकली पियर अगर रहा ओपनशिया वलगेरिस तो उसे कंट्रोल करने के लिए डैक्टोलिपस साइलिनिकसटो केक्टो, ब्लास्टिस कैक्टोरम बाद में जो वाटर हाइसिन होते हैं इकोर्निया क्रासीपीज ये होते हैं इसका नाम होता है बाद में इसे कंट्रोल करने के लिए न्योचिटिना ब्रुचि ये जो है वो मौत यूज़ करते हैं बाद में कांग्रेस राज्य जो है पार्थिनियम हिस्टोरीफोरस इसे कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए झाकोग्रामा बायकॉलोराटा ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ये और न्योचिटिना ब्रुचि ये ध्यान में रखिए ज्यादा बाद में साइप्रस रोटोंडस बैक्ट्राफेरुटना ये मौत बोरर है बाद में कस्कुटा के लिए मेलेनाग्रो माइजा ये ये एक इंसेक्ट है जिससे पस्कुटा वीड कंट्रोल होता है ये बायोलॉजिकल मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं वीड के कंट्रोल में बाद में है केमिकल कंट्रोल इसमें हर्बिसाइड यूज़ की जाती है हर्बिसाइड के भी क्लासिफिकेशन है देखिए फोलिएज में मारने वाले हर्बिसाइड अलग रहते हैं सॉइल में अप्लाई करने वाले अलग रहते हैं उसमें फोलिएज में कॉन्टैक्ट और ट्रांसलोकेटेड जो कॉन् जिसके कॉन्टैक्ट से ही प्लांट मर जाता है उसे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड बाद में ट्रांसलोकेड यानी जो प्लांट में पूरा ट्रांसलोकेट होते हैं उनके सिस्टम में उसे ट्रांसलोकेटेड कर दें इसमें भी सिलेक्ट नॉन सेलेक्टिव होते हैं देखिए सिलेक्टिव है ना वो सिलेक्टिव वीड्स को ही मारते हैं और नॉन सेलेक्टिव है ना वो सभी वीड्स सभी को सभी के लिए यूज किए जाते हैं पैराकट डाकेट ये जो होते हैं ये प्लांटिंग के पहले सब वीड्स का इरेडिकेशन करने में ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं बाद में सॉयल अप्लाइड इसमें भी सिलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव है फ्लूक क्लोरारिन ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए बाद में नॉन सिलेक्ट में वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल रहते हैं देखिए ऐसे अगर ये था केमिकल कंट्रोल देखिए यहाँ तक वीट साइंस का सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं बाद में जो आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट इम्पोर्टेंट हो और अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई डाउट होने पर ज़रूर पूछिएगा थैंक यू जय हिंद जय भारत